इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें नवीन पटनायक और नीतीश कुमार एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सुबह ही नीतीश कुमार ओडिशा के लिए रवाना हुए थे और नवीन पटनायक से मुलाकात करने वाले थे, तो अब जो है उनकी मुलाकात वो संपन्न हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन उनकी मुलाकात जो है अभी संपन्न हो गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। और अब वो 11 मई को नीतीश कुमार मुंबई जा सकते हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की पहल करने वाले सीएम नीतीश कुमार ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर बीजू जनता दल बीजेडी प्रमुख व सीएम नवीन पटनायक से बातचीत की। आज शाम ही वो बिहार लौट आएंगे, इसके बाद खगड़िया में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी योजना गुरुवार को मुंबई में एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इसी माह के तीसरे सप्ताह में पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की भी योजना है। नीतीश कुमार शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बिहार में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं। ये बैठक सीएम नीतीश कुमार और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध पर कर रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश जब बंगाल गए थे तो वहां पर ममता बनर्जी से उनसे पटना में विपक्षी एकता को लेकर एक बैठक करने को कहा था। हाल में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में विपक्ष एकता को लेकर बैठक करने की अपील की। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद वो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम नीतीश का कहना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नई पार्टियों के साथ मिलकर अगले लोकसभा के चुनाव से पहले पूरी तैयारी करनी है। हालांकि बात करें बीजेपी की तो वो भले ही दिखा रही हो लेकिन कि वो घबराई हुई नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के इस विपक्षी एकजुटता की मुहिम से बीजेपी डरी हुई नजर जरूर आ रही है। वो भी इस बात से डरी हुई है कि अगर नीतीश कुमार की ये विपक्षी एकजुटता मुहिम सफल हो गई तो नरेंद्र मोदी के लिए 2024 और 2025 वाला चुनाव मुश्किलों से भरा होगा, उनके लिए वो आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।